500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे भक्त भी हैं जो उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वो अलौकिक दर्शन रामलला के करेंगे। और ऐसे ही कुछ खुश नसीब जो यात्री हैं, खास तौर पर मुंबई में रहने वाले राम भक्त, बड़ी संख्या में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोमवार की रात को रवाना हो रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये लोग बुधवार को सुबह 9 बजे के करीब अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। और ये खास आस्था स्पेशल नाम की ट्रेन चलाई जा रही है, इसको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से लोगों के लिए, खास राम भक्तों के लिए अरेंज किया गया है। 1400 करीबन राम भक्त इस ट्रेन में सवार हैं। 20 बोगियां इस समय इस ट्रेन में लगाई गई हैं। उसका खुद इनॉग्रेशन, उसके उद्घाटन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी यहां पर थे। कुछ राम भक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र दत्तानी। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, तो क्या ग्रुप्स बना के जा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं? वो ग्रुप्स बना के ही जा रहे हैं। हाँ, किस तरह की भावना है, क्या फीलिंग है? फीलिंग तो बहुत अद्भुत है, जबरदस्त है कि रामलला का दर्शन होगा, इससे बढ़ के क्या है। हाँ मैडम, आप भी जो है साथ में जा रही हैं, क्या कहेंगी, किस तरीके की फीलिंग है? फीलिंग जो बयां नहीं कर सकते, ऐसी फीलिंग है कि 550 साल के बाद राम मंदिर बना मोदी जी की वजह से, और आज हम मोदी जी की वजह से ही वहाँ जा रहे हैं। जो नॉमिनल चार्जेस है 1625 रुपये, खाना पीना रहना आना जाना सब कुछ। तो ऑर्डिनेशन के लिए कोई पॉइंट पर्सन भी रखा है, कहाँ आप लोग ठहरेंगे, क्या व्यवस्था? हाँ, हम लोग टेंट में ठहरेंगे और हमें पानी की एक बोतल भी कैरी करना नहीं है। सब कुछ हमें ट्रेन में, कंबल पिलो ये सब हमें मिलने वाला है। और 1625 में क्या मिलता है, जो नॉमिनल जिसके पास नहीं है वो सोच सकते हैं कि मैं कैसे जाऊँ, वो भी आज जाएंगे। और आज यहाँ पर सारे एक हो गए हैं, यहाँ कोई ना बस्ती वाला है, ना कोई मेल वाला है और ना फ्लैट वाला है, सब एक हो गए हैं और सब राम भक्त की एक ही पहचान है, राम भक्त। एक और भी लोगों से बात करते हैं, महिलाएं हैं सबसे ज्यादा इस ट्रेन में। देखने वाली बात यह है कि जो राम भक्त बड़ी संख्या में जा रहे हैं इस ट्रेन से आस्था स्पेशल में, उससे सबसे ज्यादा संख्या औरतों की है। मैडम आपका नाम? सीमा सिंह। आप लोग कितने लोग? हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। किस तरीके की भावना है रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं? भगवान से मिलने की बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन लोगों में से हैं जो जल्दी रामलला के दर्शन करने के बाद से आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, पहले हो जाएंगे, बहुत खुशी हो रहा है। क्या कहेंगी, मोदी जी को लेकर कुछ भावना आ रही है? रामलला की जो है स्थापना भी होगी, मंदिर भी बन गया, आप दर्शन भी हो रहा है, बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग 10 लोग हैं? 10 लोग, पूरा ग्रुप है। ग्रुप है। टेंट सिटी में ये लोग ठहरेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? राम बच्चन यादव। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 25 लोग हैं। 25 लोग जी, पूरा ग्रुप है? पूरा ग्रुप है। अच्छा, तो क्या रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया है, ये क्या है आप लोगों के? अच्छा, ये आप लोगों के नाम लिखे हुए हैं? जी जी जी। इसमें क्या सारी चीजें, इसमें डिटेल दिया हुआ है? ज्यादातर हमारे जो मेन लीडर उनके पास डिटेल्स है। अच्छा जी, तो इसमें आपका नाम, इसमें उम्र, मोबाइल नंबर सब दिया? जी सब दिया। तो क्या इसमें आप लोग जब तक वहाँ पर रहेंगे अयोध्या में, तब तक ये आप लोगों के साथ रहना चाहिए? साथ रहेगा सर। साथ रहेगा जी। ओके, तो आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं पैम्फलेट इस समय, इसमें आस्था स्पेशल ट्रेन के साथ साथ हर जो यात्री सफर कर रहा है उसका नाम है, नंबर है, सारी डिटेल दी हुई है, बोगी नंबर के साथ साथ सीट नंबर भी दिया हुआ है। और सबके गले में आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगे, जाने का दोनों इसमें निर्देशित किया गया है, उसमें डेट भी दिया है आने जी का। हाँ, डेट भी है, जाने का टाइमिंग सब कुछ दिया गया। आने का आप लोगों का कभी है वापसी? 7 तारीख के शाम को, 8 तारीख के शाम को, 8 तारीख के शाम को 5:20 की। तो चलिए और भी औरतों से बात कर लेते हैं। मैडम आप सीट अभी शिफ्ट कर रही हैं, लगा क्या कहेंगे, क्या है, किस तरीके की फीलिंग है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। कितने लोग हो आप लोग? हम 30 लोग हैं। 30 लोग? हाँ, ग्रुप है हमारा पूरा। अच्छा, तो यहाँ मुंबई में कहाँ रहते हैं? कांदिवली वेस्ट। कांदिवली वेस्ट। यस। तो आप सभी लोग साथ में ही जा रहे हैं? हाँ, साथ में। एक्साइटमेंट है? आप क्या कहेंगे, किस तरीके की है फीलिंग रामलला के दर्शन करने के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ऐसा लग रहा है कब उनके दर्शन मिल जाए।
देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी कहा मंच से कि उनको कहीं ना कहीं जलन हो रही है कि वो उनके दर्शन करने से पहले आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या कहें? पहले दर्शन मिलता है ना इसके लिए, भक्तों को पहले दर्शन मिलता है, रामलला ने बुलाया है इसलिए आप लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं, सही बात, नसीब वाले होते हैं जिसने रामलला बुलाते हैं। नहीं तो इतने सारे भक्तों में से हमारा नंबर कहाँ आने वाला था। तो बच्चों के साथ जा रहे हैं? बच्चों, पूरी फैमिली जा रही है साथ में। देखिए बच्चों में भी मिला है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अद्भुत। देवेंद्र जी तो कार सेवा में सम्मिलित हुए थे, हम तो चलिए हमको तो वो दर्शन भी करा रहे हैं, क्या चाहिए। चलिए तो लोगों की जो भावना है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, उत्साह का जो फुब्बार इस समय लोगों के मन में वो फूट रहा है वो उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। आपका शुभ नाम? रामजी भाई पटेल। कितने लोग हैं आप लोग? हम 8 जन हैं। 8 जन, हाँ। किस तरीके की फीलिंग है? हमारा ये बहुत अच्छा फीलिंग है कि हमको जय श्री राम को मिलने का है और जाएंगे हम अयोध्या। अच्छा, हाँ। लेकिन ठंड वहाँ बहुत पड़ रही है, जितना भी ठंड है, बर्फ है तो भी चला, आई से तो भी चलेगा हमको, राम के दर्शन, हमको दर्शन करना है बस, बाकी ठंड हमको नहीं लगेगी। तो इस तरीके के जो है लोगों की भावनाएं हैं, क्योंकि ये भक्ति की भाव है, इसमें कहीं कोई जो ऊंच नीच की बात कही जा रही थी कोई ऐसा नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े ऊंचे फ्लैट आलीशान मकानों में रहने वाले लोग भी सभी एकजुट होके सिर्फ एक पहचान से जा रहे हैं कि सभी के सभी राम भक्त हैं, और उन लोगों को ही दर्शन कराने के लिए स्पेशल ट्रेन खास तौर पर मुंबई के CST टर्मिनस से रवाना हो रही है, और बताया जा रहा है कि 1400 यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और 8 तारीख को वापसी का भी टिकट इन लोगों को दे दिया गया है। भगवा मैं पूरा का पूरा इस समय ट्रेन के साथ साथ बाहर का जो प्लेटफॉर्म है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर किसी के जबान पर भगवान श्री राम और रामलला का नाम है, और बेसब्री से उस पल का, ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला के दर्शन होंगे। आस्था स्पेशल ट्रेन ये वो खास ट्रेन है जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोमवार की रात को अयोध्या नगरी के लिए रवाना हो रही है, क्योंकि ये खास ट्रेन उन 1400 लकी राम भक्तों के लिए चलाई जा रही है जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी रवाना हो रहे हैं, और सभी के चेहरे पे सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और खास तौर पर ये जो ट्रेन तैयार की गई है उसे भी आप देख सकते हैं, रंग रोगन करकने के साथ साथ हर दरवाजे पर भगवान श्री राम का पताका लगाया गया है, एक तरह से भगवामय हो गया है। औरतें भी बड़ी संख्या में इस ट्रेन सफर कर रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगे आप लोग, कितने लोग हैं ट्रेवल? 50 लोग हैं। हाँ, इस तरीके की भावना? अरे बहुत सुंदर, इतना एंजॉय करेंगे ना, आज हमें ये पहली आस्था ट्रेन है जो हमें लाभ मिल रहा है, ये मोदी जी की कृपा है, खाली बस मोदी जी की कृपा है। जय श्री राम आपकी बार फिर से मोदी सरकार का, जय श्री राम। ये जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बुजुर्ग बच्चे औरतें महिलाएं सब हैं, और भगवा झंडा आपको हर दरवाजे पर श्री राम का लहराता हुआ दिख जाएगा। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। 1400 खास यात्रियों को लेकर ये ट्रेन रवाना हो चुकी है मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। रवाना होने के बाद सोमवार की रात को, ये बताया जा रहा है कि बुधवार के दिन सुबह तड़के अयोध्या जंक्शन पर पहुंचेगी, और खास इनके स्वागत के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है, क्योंकि टेंट सिटी जो खास तौर पर अयोध्या में बनाया गया है वहां इन सारे यात्रियों को रखा जाएगा, और ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में इन लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ, चूंकि मुंबई के बाद उत्तर प्रदेश में भीषण इस समय ठंड पड़ रही है, तो हर स्लीपर क्लास में लोगों को सोने के लिए गद्दे, तकिए, चादर, कंबल सब दिए गए हैं, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की लोगों को परेशानी झेलनी ना पड़े। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद इस जो स्पेशल ट्रेन है उसको हरी झंडी देने के लिए आए थे, उनके साथ महाराष्ट्र BJP के अध्यक्ष छत्र जो चंद्रशेखर बावनकुले हैं वो भी मौजूद थे। बेहद खुश नुमा माहौल यहाँ पे ट्रेन में राम भक्तों को देखने को मिला है, और सभी उस बेसब्री का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला के दर्शन होंगे। कैमरामैन विजयन भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया TV, मुंबई।